हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था और इकोनॉमिक्स का जो नया सिलेबस है जो ट्वेल्थ बोर्ड ने स्टेट बोर्ड ने डिज़ाइन किया है, हमने सिलेबस के सारे कंटेंट्स देखे थे। आज हम फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा 11th में फर्स्ट चैप्टर में हुआ था। जैसे इसमें फर्स्ट पोर्शन हमें बताया गया है, लेट्स रिकॉल यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th द मीनिंग एंड द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। अगर आपको याद है, हमने लास्ट ईयर 11th में फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग डेफिनेशंस दी थी इकोनॉमिक्स के प्रति, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की बनाई थी। अब इस डेफिनेशन में कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए सेकंड डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की, वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने बनाई थी, जो डेफिनेशन वेलफेयर ओरिएंटेड थी। और उसके बाद में जो थर्ड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की हमने देखी थी, वो लियोनल रॉबिन्स ने बनाई थी, जो स्कैरसिटी ओरिएंटेड थी। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम स्पैन के अकॉर्डिंगली अलग अलग डेफिनेशंस बनाई थी। सो हर डेफिनेशन अपने आप में एक डेफिनेशन थी। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, फिगर 1.1 जो है, ये इंडस्ट्री को इंडिकेट कर रही है। सो लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये जो भी आधुनिक अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, इसकी दो शाखाएं जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला गया है। अब माइक्रो, ये जो टर्म है, ये ग्रीक वर्ड मिक्रोस से डाउनलोड या डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है अ मिलियंथ पार्ट। अब मिलियन पार्ट मतलब, अगर एक मिलियन अगर हम देखते हैं तो 1 मिलियन इज़ ऑलमोस्ट 10 लैक्स। तो 10 लैक के अंदर जो 1 का रोल होता है, वही माइक्रोज है। द टर्म मैक्रो इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। अब मैक्रोज ये एक ग्रीक वर्ड है, जिसके ऊपर से मैक्रो ये कंसेप्ट बना है, और जिसका मतलब होता है लार्ज, मतलब बड़ी तादाद में। दीज टर्म्स वेर कॉइंड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933 में जो रैगनर फ्रिश है, उन्होंने ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हम टी डायग्राम में देख सकते हैं, मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा रैगनर फ्रिश के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें उनके बारे में बताया गया है कि ही वॉज अ नॉर्वेजियन इकोनोमेट्रिशियन an economist was a joint winner with the Jan Tinbergen of the first Nobel Prize for the economics in the year of 1969 में जो Nobel Prize first economics को मिला था, उसमें ये joint partner थे with Jan Tinbergen के साथ। He was a pioneer of econometrics, that application of mathematical models and statistical techniques to the economic data and theories। हमारे इसी सिलेबस में हमें एक चैप्टर इंडेक्स नंबर और स्टैटिस्टिक्स के बारे में दिया हुआ है, उसके भी फाउंडर एक टाइटल इनके नाम पे है। सो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ही कॉइंड मेनी इकोनॉमिक टर्म्स इन एन आर्टिकल ऑन बिजनेस साइकल्स। बिजनेस साइकिल पे भी अलग अलग थेरीज, अलग अलग मॉडल्स इन्होंने बनाए हैं। सो फ्रिश लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू हैव रेफर्ड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल यूनिट, इसका स्टडी करने के लिए सबसे पहले बार फ्रिश इन्होंने ही इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। मोर एवर ही रेफर्ड टू द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इंडिविजुअल्स के बाद में नंबर आता है एग्रीगेट्स का, तो एग्रीगेट की स्टडीज़ के लिए इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट को भी क्या है तो इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, दैट वी शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
जैसे इसमें बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वॉज डेवलप फर्स्ट इन इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, पारंपरिक जिसे हम बोल सकते हैं। इसका ओरिजिन जो है करने के पीछे अप्रोच कैन बी ट्रेस बैक टू द ईरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स दैट इज एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जे एस मिल। मतलब जैसे इकोनॉमिक्स को हम तीन फेज में पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग फेजेस में, जैसे क्लासिकल अप्रोच है, न्यू क्लासिकल अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है। तो न्यू क्लासिक या जो क्लासिकल अप्रोच था वहाँ पे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्क्रिप्शन पाया जाता है। इट वॉज पॉपुलराइज बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्लासिकल अप्रोच के बाद में जो न्यू क्लासिकल अप्रोच था वहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने भी अपने बुक में इसके बारे में कुछ मेंशन किया हुआ है। अदर इकोनॉमिस्ट लाइक प्रोफेसर पिगू, जे आर हिक्स, प्रोफेसर सैमुलसन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन एक्सेट्रा हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवेल्यूएशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ऐसा बोला जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन पहले हुआ है और उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी फॉलोअर्स ऑफ अ मर्केंटाइल्स, अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट एडवोकेटेड पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट विच वर बेस्ड ऑन द मैक्रो अप्रोच। इन द 18th सेंचुरी द डिफरेंट फ्रेंच थिंकर्स ट्राइड टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। इवन क्लासिकल इकोनॉमिक थेरीज ऑफ प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रिकार्डो एंड प्रोफेसर जे एस मिल डिस्कस द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। अलग अलग इकोनॉमिक्स के इसमें इन टर्म्स को यूटिलाइज किया गया है अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से, बट देयर माइक्रो एनालिसिस वॉज कम्बाइंड विद द मैक्रो एनालिसिस। Thus, macro analysis ruled the world of economics till the Great Depression of 1930s. 1930s में जो Great Depression आया था वहाँ तक macro economics concept मतलब almost हर जगह पर utilize करना मतलब किया जाता था। After the Great Depression, Lord John Maynard Keynes published his famous book titled General Theory of Employment, the Interest and Money, in the year of 1936. Keynes use macroeconomic approach to analyze economic problems. The credit for the development of macroeconomic approach goes to Lord Keynes. Besides Keynes, Malthus, Wicksell, Warlas, Irving Fisher and other economists who have contributed to the development of macroeconomics. अब ये हो गया हमारा historical background about the micro and macroeconomics. अब इसमें और ये तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, बट एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, इसका अप्लीकेशन कहाँ पे है, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। सो लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है आपको अंदाज़ा आ गया होगा। इसका अगर लिटरली अगर मीनिंग अगर देखोगे तो माइक्रो मीन्स द मिलियंथ पार्ट, या जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है, जिसमें हर इंडिविजुअल कमोडिटी, हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, हर इंडिविजुअल प्राइस, हर चीज़ जो इंडिविजुअल है इन नेचर है उसका स्टडी किया जाता है। सो माइक्रो मीन्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज़ का जो सूक्ष्म भाग होता है उसे माइक्रो बोला गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विथ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हमारी जितनी भी जो भी हमारी इकोनॉमी है उसमें हर चीज़ का इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना ही इसका स्टडी एस्पेक्ट होता है। इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर। सो हर वो चीज़ जो इंडिविजुअल है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी एस्पेक्ट में आती है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से, लेट्स सी। अमंग दैट द फर्स्ट डेफिनेशन इज मॉरिस डॉब। देखिए मॉरिस डॉब का क्या कहना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट ए माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोप हमें पता है जो लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है। अब ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी चीज़ का
एकदम इंडिविजुअल लेवल पे जाके स्टडी करता है या उसका एकदम बारीक से परीक्षण करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या करता है, इट इज़ इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये पूरी अर्थव्यवस्था की जो है सूक्ष्म लेवल पे जाके स्टडी करता है। देन प्रोफेसर ए पी लर्नर, इनकी भी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है बट स्लाइटली डिफरेंसेस आर देयर। सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। पूरी अर्थव्यवस्था को माइक्रोस्कोप से देखना, ये एक लुकआउट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी का, जो हम इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स एज अ कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल्स और फर्म्स एज अ प्रोड्यूसर्स प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजिंग। लाइक जैसे स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि ये पूरे इकोनॉमी की माइक्रोस्कोप लेके स्टडी करने जैसा है, जिसमें जैसे हमारे बॉडी में हज़ारों सेल्स होते हैं, वैसे इकोनॉमी में मिलियंस ऑफ मतलब एलिमेंट्स होते हैं। सो हर वो एलिमेंट, जैसे वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक घर हो सकता है, एक उपभोक्ता हो सकता है, एक इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में स्टडी करता है। एक फॉलोइंग चार्ट अगर हम देखेंगे तो हमें एक स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा। एज यू कैन सी द ट्री डायग्राम इट्सेल्फ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट सेज दैट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे इसके अंदर थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग आता है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग आता है और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आता है। अब ये तीन चीज़ें क्या है हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या होता है कि चीज़ों का कीमत निर्धारण या प्राइस डिटर्मिनेशन जिसे बोलते हैं। हम जो भी मार्केट में चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका सप्लाई ज़्यादा होगा, अगर उसकी डिमांड कम है सप्लाई कम है। सो डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन, कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड कम होते हुए भी सप्लाई ज़्यादा होता है। अब ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। सो द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग चीज़ों की कीमत निर्धारण करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। देन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइस, हमने लास्ट ईयर देखा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, रैंड दैट इज़ द फैक्टर प्राइसिंग, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर होते हैं और जिनके कंसिडरेशंस है दैट इज़ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब कौन सी लैंड को कितना रेंट देना, लेबर को कितने वेजेस देना, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना और प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी डिटर्मिनेशन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का किया जाता है। और लास्ट एस्पेक्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, तो इसके अंदर आता है इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन, इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफ़िशियंसी। अब इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब अगर आपको याद है हमने डेफिनेशन देखी है अल्फ्रेड मार्शल की, जो जिन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन बनाई थी। अब प्रोडक्शन में अगर इफ़िशियंसी होना मतलब मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट, इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन मतलब मिनिमम एक्सपेंसेस में मैक्सिमम बेनिफिट लेना, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफ़िशियंसी मतलब सारी चीज़ें सारे लोगों को एक्सेसिबल करवा के देना। सो इन चीज़ों को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तब तक थैंक यू, टेक केयर।